हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी प्योर बी पॉजिटिव। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ ऐसी DIY शेयर करने जा रही हूँ जिसका यूज़ आप सभी कर सकते हैं। छोटे बड़े, लड़के लड़की, औरत, अंकल आंटी, दादा दादी सब कर सकते हैं। जिन्हें भी हेयर प्रॉब्लम हो रही है, हेयर लॉस हो रही है और सीवियर हेयर लॉस हो रही है, जिस आप अपने बालों को ही देखकर डर जाते होंगे कि ये क्या हो रहा है, इतना हेयर फॉल कैसे हो सकता है, और उसे देखकर और ज़्यादा टेंशन होती होगी, और ज़्यादा हेयर फॉल होता होगा, यहाँ तक कि आप गंजेपन की प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, सही कह रही हूँ, यकीन मानिए, ये रेमेडी अगर आपने यूज़ कर लिया ना, आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में दूर होगी। चुटकियों में चुटकी बजाते दूर नहीं होगी, सही तरीके से यूज़ करेंगे तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये दावा है मेरा बी प्योर चैनल का। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। अगर वीडियो पूरा देखें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर से कर दें। देखिए, यहाँ पर हमने लेना है लीव्स। आपको मैं बता देती हूँ, ये है अमरूद के पत्ते, गुआवा के लीव्स। दोस्तों, जितनी प्रोटीन, जितनी न्यूट्रिशन फल में पाई जाती है, उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन हम उसके पत्तों में पाई जाती है। चाहे अमरूद की ही बात नहीं, किसी भी फल को आप ले लो, हम सारे फल सब्जियां खाते हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा पोषक तत्व पत्तों में होती है, क्योंकि पत्ते ही जो हैं उनका खाना बनती है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का खाना बनाती है ना, यहाँ तक कि हमारा भी खाना बनाती है। तो सोचिए उसमें कितनी ताकत है, तब जाकर वो इतना कुछ कर पा रही है। और मैं साइड में आपको दे रही हूँ बेनिफिट्स इसके, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, देखिए, और मैं खुद से बताऊँगी भी आपको कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे हमें पत्ते ले लेने हैं ताजे ताजे, और अच्छे से धो लेना है। दोस्तों, पत्तों को अच्छे से धो लीजिएगा, और जो भी बेनिफिट्स आपको स्क्रीन में दिख रही है, पॉज करें और पढ़ें, या फिर आप गूगल में जाएं, सर्च करें, डिटेल में पढ़ें। इतनी जानदार है ना ये, शानदार है ना ये। आप कहीं से भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसका, तो कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सोच रहे होगे कि स्किन या फिर हेयर ड्राई हो जाएगी, ये स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चाय बना के पी सकते हैं हम इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ है दोस्तों, एक एक करके मैं आपके साथ सभी शेयर करूँगी। आज मैं हेयर फॉल के लिए लेकर आ गई हूँ इसका जो है वीडियो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव हो रखे थे, और इतनी हेयर फॉल हो रही है उनको कि वो संभलने का नाम नहीं है, वो और परेशान दिन के दिन होते जा रहे हैं। तो पहला मैं उनके लिए ही ये वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान है। तो यहाँ पर हमें एक पैन लेना है, इसमें हमें 1.5 ग्लास के करीब पानी लेना है। इसके बाद जो हमने पत्ते धोए हैं उसे रेडी कर लेनी है, और दूसरा यहाँ पे 1 चम्मच हम मेथी लेंगे। मेथी बहुत ही बेनिफिशियल होती है दोस्तों, बालों का झड़ना रोकने के लिए, बालों को थिकनेस देने के लिए, बालों को सिल्की शाइन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम पत्तों को कट करके डाल लेंगे, आप हाथों से तोड़ के डाल लें, फाड़ के डाल लें, जैसे डालना है डाल लें, गोटे डालें गोटे डाल लें, बस डाल दें, ठीक है। मैं यहाँ पर काट के डाल दूँ ताकि अच्छे से जो इसका रस है ना पानी में मिल सके। और हमें इसे कम से कम 5 बॉइल करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब तक पत्ते जो हैं अपने कलर में रहेंगे, कलरलेस नहीं होंगे, तब तक हम इसे पकने देंगे। और जैसे ही पत्ते अपने कलर छोड़ दें, कलरलेस हो जाएं, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। दोस्तों, अमरूद के पत्ते हमारे बालों का झड़ना रोक सकती है, डैंड्रफ को कम कर सकती है, मतलब जड़ से भी ख़त्म कर सकती है, ठीक है। रेगुलर यूज़ करेंगे, बालों को काला कर देगी, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करेगी धीरे धीरे, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि ना हमारे जो अमरूद के पत्ते हैं, अमरूद में ही विटामिन सी, विटामिन बी, कोलेजन की मात्रा पाई जाती है, तो सोचिए उसके पत्तों में कितना पाई जाती होगी। हमें ना बाहर से जो मेडिसिन हम लेके खाते हैं ना, विटामिन सी, विटामिन बी, आप देखिए एक बार जाके कितने महंगे मिलते हैं यार, इतने महंगे महंगे दवाइयाँ आजकल मार्केट में आ गए हैं। लोग तो फल फूल खाना ही छोड़ दिए हैं, सब्जियाँ खाना छोड़ दिए हैं, फिर सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं कि हम दवाइयाँ खा लेंगे और बस हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। यार, इतने कम पैसे, बिना पैसे खर्च किए हुए, कुछ कम पैसे खर्च करके हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाकर अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, तो दवाइयों की क्या ज़रूरत है। तो अमरूद इतनी बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए, आप जाकर देखें। हेल्थ के लिए, हेयर और स्किन तो छोड़ दीजिए, हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है अमरूद, ठीक है ना। ऑल ओवर हर एक चीज़ के लिए अमरूद के पत्ते, अमरूद बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने तो उस
जिस पानी को बॉईल किया था उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे कुछ और पत्ते मैंने 10 से 15 ले लिए हैं। सारे पत्ते मैंने एक ही साथ जो आपको धो के दिखाया था उसमें से आधा मैंने यूज़ किया था उस सीरम बनाने के लिए और आधा मैं रख रही हूँ इस मास्क को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज के 3 प्याज ले लिए हैं। सैलेड वाले हो आपके पास प्याज सैलड्स हो तो आप वो लेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी दोस्तों, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा कहीं ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्मल प्याज से ज़्यादा सैलड जो होती है उसमें ज़्यादा पाई जाती है सल्फर। तो सोचिए आपको विटामिन सी मिल गई, विटामिन बी मिल गई, कोलेजन मिल गई, सल्फर मिल गई और तो कई गुण हैं इसके पत्तों में, मैं आपको बताऊंगी। तो वो सारी आपको मिल रही है तो आप किसी भी बाहर के मार्केट वाले प्रोडक्ट यूज़ करके देखें और इसको यूज़ करके देखें, फ़ायदा आपके सामने रहेगा। एक महीना बाहर वाले यूज़ कर लें ठीक है, पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना फ़ायदा नहीं होगा गारंटी से कहती हूँ। इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें, आकर वापस से जाएं और इसका यूज़ करें, एक महीना यूज़ करें, आपके पास जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी ना आप आकर मुझे कमेंट करना फिर कि हाँ आपने जो बताया ना बिल्कुल सही बताया। अगर आपको सीवियर से सीवियर हेयर प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रही है दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है इस चीज़ को अप्लाई करें प्लीज़ किसी भी एक तरीके से, या तो इस जूस को निकाल कर यूज़ करें जैसे मैं अभी बता रही हूँ, या तो जो हमने पानी को बॉयल करके रखा उससे हेयर को रिंस करें, या फिर जैसे कि हेयर टोन करते हैं हम टोनर डालते हैं बालों में स्किन में, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी बहुत तरीके हैं यूज़ करने के ठीक है। और भी कई गुण अमरूद के पत्तों में पाई जाती है दोस्तों, हम उसके बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं 3 प्याज ली हूँ और 10 से 15 जो पत्ते हैं उसे मैं तोड़ तोड़ के डाल दे रही हूँ। बीच की जो पत्ती सी डंठल है ना दोस्तों वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको चाहे तो डाल लें या उसको चाहे तो निकाल लें, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी होगी दोस्तों। ये अब क्या करना है, हमें इसे पीस कर अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेना है। आपको पानी को यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने जो पत्ते यूज़ किए हैं उसमें पानी की मात्रा है और जो हमने प्याज यूज़ किया है उसमें भी रस है, तो बिल्कुल पानी यूज़ मत कीजिएगा। बस इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा और इसको छन कर इसका जूस निकाल लीजिएगा ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे आप देखिए कैसे मैं निकाल रही हूँ और आगे मैं आपको कुछ बेनिफिट्स और भी बता देती हूँ इसमें जो जो मिलती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। अगर आप धूप में ज़्यादा जाते हैं तो आपके लिए ये तभी भी फ़ायदा देगी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो, क्योंकि अमरूद के पत्तों में लाइकोपिन नामक एक पदार्थ पाई जाती है जो आपको सूरज की किरणों से जो हार्मफुल किरणें निकलकर हमारे बालों को ख़राब करती है, हमारे स्किन को ख़राब करती है, उससे भी रिपेयर करती है, उससे डैमेज होने से बचाती है दोस्तों। अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये आपके स्कैल्प को स्वस्थ रखती है, गंदगी से बचाती है, अगर गंदगी बहुत टाइम से तो उसको भी साफ़ करती है। अगर आपको इतना सब कुछ इसे मिल रहा है जो आपके ऑल ओवर स्कैल्प को अच्छा रखती है, आपको आपके हेयर को अच्छा रख रही है, तो हमें यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है। आपके आसपास ही मिल जाते हैं ये पत्ते है ना, कोई अलग से हमें कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस पत्तों को ही लाना है और घर में बस इन छोटी छोटी चीज़ों को पाए हमको लेना है। यहाँ देखिए हमने जूस निकाल लिया है और इसमें हम लेंगे आधा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का नहीं तो नारियल का ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, कैस्टर ऑयल ले लें, आमंड ऑयल ले लें, जो भी है। इसे बस आधा चम्मच तेल इसलिए डालेंगे ना क्योंकि जो अमरूद के पत्ते थोड़ा सा ड्राई कर सकती है आपके हेयर को, अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो इस वजह से लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप करें और बस इसे ले कॉटन में डिप करें और पूरे स्कैल्प में लगाएं और अच्छे से 10 मिनट तक मसाज दें। इसको लगाने के बाद मसाज देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो पानी बनाया था हमने वो भी ठंडा हो गया है और आपने अच्छी अच्छी चीज़ें भी जान ली हैं कि गुआवे के पत्ते में, अमरूद के पत्ते में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। जो मैंने कहा वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें किताब लिखी जा सकती है, इतनी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इतनी फ़ायदेमंद होती है ये कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हर एक पेशेंट्स के लिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो पेशेंट, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अमरूद, अमरूद के पत्ते। तो आप यूज़ करें, हमारे जो प्रकृति है हमें इतना कुछ दे रखी है। हम दवाइयों के पीछे भागते हैं, प्रकृति हमारे पीछे भागती है, पर हम उसकी वैल्यू करते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, बस बाहर से ये ला लो वो ला लो, ये यूज़ कर लो वो यूज़ कर लो कर लेते हैं। पर देखिए दोस्तों मैं इसका यूज़ बता देती हूँ, बाकी सारी बातें पीछे छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें बना ली हैं, इसे आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक तो आप टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं ठीक है, आपने स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और इसका यूज़ करना है। स्प्रे में अगर आप जब डालोगे, स्प्रे करते हुए पूरे स्कैल्प में लेंथ में अच्छे से डाल लें और अच्छे से मसाज करें। मसाज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वाला स्टेप है ठीक है। तो मसाज करें अच्छे से और
ओवरनाइट रहने दें, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश कर लें। या फिर आप जब बालों को धोते हैं तो एक बकेट में पानी में इसे डाल लें और इससे अपने बालों को धो लें अच्छे से। जब आप शैम्पू कर लेंगे बाल अच्छे से धुल जाएंगे आपके, उसके बाद लास्ट रिंस इससे कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। करने के बाद 10 मिनट रहने दीजिएगा, इसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद जो ये हमने हेयर ऑयल बनाकर रेडी किया है जूस के साथ, इसको आपको नाइट में लगा लेना है या फिर 2 घंटे इसको लगा के आपको रखना है किसी टाइम में भी, ठीक है। आप अगर नाइट में लगाते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, 2 घंटे में लगाते हो तो सेम फ़ायदा मिलेगी, लेकिन ओवरनाइट का बात ही अलग है ना। तो इसको हमें लगाकर अच्छे से रख देना है, मसाज करना है 10 मिनट। इसके बाद 2 घंटे के बाद आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है ठंडे पानी से, गर्म पानी बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो दोस्तों। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।